6 अगस्त 2019 को जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से ललकार लगाई थी कि पीओके कश्मीर का अंग है और कश्मीर हमारा है, हम पीओके को भारत से जोड़ने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, पीओके को ना हम भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे, उसी दिन से हिंदुस्तान सहित पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजनीति में भी एक नया मोड़ आ गया था। क्यास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि जल्द ही पीओके पर भारत का कब्जा होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी भीख का कटोरा उठाया और कंट्री टू कंट्री घूमने लगा कि कोई उसकी मदद करो, नहीं तो मोदी और शाह की जोड़ी हमसे पीओके डंके की चोट पर ले जाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान पीओके पर अवैध कब्जा किए बैठा है, इसलिए दुनिया के किसी भी देश ने पीओके पर पाकिस्तान की मदद करने की भीख इमरान खान के कटोरे में नहीं डाली, क्योंकि दुनिया को पता है कि भारत का मोटा भाई जो कहता है वो करता है और जो नहीं कहता है वो तो वो डेफिनेटली करता है। आप भी सुनिए गृह मंत्री अमित शाह की ये ललकार। जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है, इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। जब मैं सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को आप। 18 अगस्त 2019 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हरियाणा के कालका से पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ एक ही मुद्दे पर, पीओके पर बात होगी और किसी भी मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। रक्षा मंत्री के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान बौखला गया और अपने इसी बौखलाहट में उसने पीओके के नज़दीकी सीमा पर अपनी सैन्य गतिविधियाँ तेज कर दी। 100 से ज़्यादा SSG कमांडो पाकिस्तान ने LOC पर तैनात कर दिए। इन्होंने LOC पर घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 10 SSG कमांडो पिछले 3 हफ्तों में ढेर कर दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा परमाणु नीति में बदलाव करने और सिर्फ पीओके के मुद्दे पर बात करने की चेतावनी दी गई तो पाकिस्तान ने बौखलाहट के चलते अपनी आधे से ज़्यादा सेना पीओके में तैनात कर दी है। आप भी सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये बड़ी हुंकार। लेकिन जो दुनिया का आज सबसे ताकतवर देश जिसे लोग मानते हैं अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हटो हटो जाओ, भारत के साथ बैठकर बातचीत करो, यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद वो संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। हमारा पड़ोसी बड़ा आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को अस्थिर करना चाहता है, भारत को कमजोर करना चाहता है, आतंकवादियों के सहारे भारत को कभी कभी तोड़ने की कोशिश करता है। 28 अगस्त 2019 को यानी आज भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सरकार की नीतियों को साफ करते हुए कह दिया है कि पाकिस्तान अब कश्मीर को भूल जाए। उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान को ललकारते हुए स्पष्ट कह दिया है कि अब पाकिस्तान पीओके को भूल जाए क्योंकि जल्द ही पीओके का इतिहास बदलने वाला है और भविष्य में पीओके में भी तिरंगा लहराएगा। कश्मीर सिर्फ भारत का हिस्सा है और भारत का ही रहेगा। भारतीय सेना ने पीओके पर तैयारी पूर्ण कर ली है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को जरा आप भी सुनिए। टॉकिंग अबाउट कश्मीर, डिस्कस व्हाट इज देयर टू डिस्कस इन कश्मीर। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। From 1952 onwards, 54 onwards, elections are held. Chief ministers are elected. There is an elected government at the state.
members of parliament are being erected. And what is there to discuss? Yes, there is something remains to be discussed. I do agree. The remaining thing to discuss is about with our neighbor is hand over the remaining part of Kashmir to us. भारतीय सेना के जवानों ने अब पीओके से पाकिस्तान का कब्जा छुड़वाने की कमर कस ली है। अब इंतजार है तो सिर्फ सरकार के आदेश का। एलओसी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की घुसपैठ साजिश को नाकाम किया है और नतीजा पाकिस्तान के 10 एसएसजी कमांडो ढेर कर दिए गए हैं। दोस्तों, पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर पर आपके क्या विचार हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।